हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई दोस्तों, आज डिप्लोमा के बच्चे जो हरियाणा के लिए है ये वीडियो, हरियाणा स्टेट के जो बच्चे थे जो काउंसलिंग कर रहे थे या जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, अब उसके बाद क्या है जिनको फर्स्ट में या सेकंड में कुछ मिल गया और वो चेंज चाहता है कि भाई मुझे YMCA मिल जाए, मुझे गुरु जम्बेश्वर मिला हुआ है, क्या मुझे YMCA मिल सकता है। YMCA में कितनी सीटें खाली हैं, डी क्रस्ट मूर्थल में कितनी सीटें खाली हैं, भाई जो टॉप के कॉलेज हैं वहां वहां पे कहां कहां पे कोई सीट खाली है। किसी बच्चे को अगर कोई कॉलेज नहीं मिला है तो क्या मतलब हरियाणा में अब कोई चांस बचा है क्या। तो वीडियो बेटे ये उन्हीं के लिए होने वाला है, तो फटाफट से भाई मैं शेड्यूल पे लेके चलता हूँ। ये वेबसाइट है, शेड्यूल दिए था जी, आपका शेड्यूल ये है जी। मैं इसको थोड़ा सा अपने इसको इधर करता हूँ और ये आपका शेड्यूल है लेटर एंट्री का, ठीक है। 8 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक आपको फिजिकल रिपोर्ट करना था। जिनको भी सेकंड काउंसलिंग में चाहे YMCA मिला चाहे डी क्रस्ट मूर्थल मिला, ऑब्वियसली 11 बजे तक, 11 तारीख यानी कल 11 बजे तक करना था। अब आगे क्या, अगर कोई सीट खाली है तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या हमें HSTC की साइट पे मिल रही होगी सर, या हमें इंस्टीट्यूट लेवल पे जाके देखना पड़ेगा। तो बेटे मेरे कहने का मतलब है आपको इंस्टीट्यूट पे जाके देखना पड़ेगा। अब इंस्टीट्यूट पे जाते हैं तो कई बच्चे क्या है, ये वेकेंट सीट ये भेज रहे हैं मेरे को। अरे भाई इतनी सीटें खाली रहती तो आग लग जाती। हाँ ठीक है, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, ये मेरे को सीटें भेज रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेकेंट सीट कैटेगरी वाइज, ये बीटेक फर्स्ट ईयर की सीट्स हैं वेकेंट, ऐसी बेटे आपकी भी निकलेंगी, टेंशन नहीं लेना। तो बूरा शर्मा मेरे को भेज रहा था या और कोई बच्चे भेज रहे थे, तो बेटे ये मेरे हिसाब से ये बीटेक फर्स्ट ईयर वालों की है। अगर बीटेक लेटरल एंट्री होगी ना तो यहाँ पे लिखा आएगा बीटेक लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर या बीटेक सेकेंड ईयर डायरेक्टली, उसकी वेकेंट लिस्ट अलग आएंगी आएंगी, क्योंकि बीटेक वालों की भी काउंसलिंग चल रही थी। तो उसकी काउंसलिंग जो है वो बेटे उसके हिसाब से YMCA में 212 सीटें खाली पड़ी हैं। इसमें ऑल इंडिया कैटेगरी के बच्चों की SC OBC PH ST, और अगर कोई बच्चा कोई दोस्त आपका हो जो जो कि जिसने HSTC से अप्लाई कर रखा हो जो 12th वाला, उसके लिए है ये, आपके लिए भी निकलेगा। सेम ऐसे ही आपके लिए सीट मैट्रिक्स निकलेगा, सेम ऐसे डी क्रस्ट मूर्थल का सीट मैट्रिक्स निकलेगा, सेम ऐसे गुरु जम्बेश्वर का निकलेगा। तो जो गुरु जम्बेश्वर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो इधर स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। अभी ये जो मैं सीटें दिखा रहा हूँ YMCA में, ये आपके लिए नहीं भाई, ये बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए है, लेकिन आपकी ऐसे ही निकलेंगी। अब क्या होगा, वो ऑर्डर निकला है तो उसकी जो फिजिकल काउंसलिंग है उसके पूरा वो क्या शेड्यूल निकलेगा कि किस दिन वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाएंगे, कैसे रहेगा, वो सब चीजें निकलेंगी। तो आपको वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी, जैसे मैं डी क्रस्ट मूर्थल की आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये डी क्रस्ट मूर्थल की वेबसाइट है, राइट। क्या बिल्डिंग है, क्या माहौल है, कितनी ग्रीनरी है। मेरे को इस कॉलेज की सबसे अच्छी जो बात लगती है ना वो इसका शांतपन और इसकी ग्रीनरी। यहाँ पे जितने भी डिप्लोमा वाले बच्चों को मैंने भेजा है ना बेटे, वो कामयाब होके निकले हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। डी क्रस्ट मूर्थल बढ़िया है, और गलती से कोई बच्चा कोई लड़का या कोई लड़की अगर मूर्थल के रहने वाले हैं तो बेटे उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सीट रिजर्व कर रखी है मूर्थल के लिए। मूर्थल का होना चाहिए लड़की और मूर्थल का ही लड़का, एक को मिल जाएगा कंप्यूटर, एक को मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं अभी उसको भी दिखाऊंगा आपको, सब सब दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बीटेक लेटरल एंट्री, बीटेक लेटरल एंट्री और बीटेक, तो ये देखो बीटेक और बीटेक लीट की 1080 वेकेंट सीट निकलेंगी अभी निकले। देखो वो मैं बीटेक की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूँ, ये बीटेक वालों का है जो फर्स्ट ईयर वाले, जो 12th वाले। अब आप कह रहे हो अरे सर कंफ्यूज हो रहे हैं हम, तो अरे कंफ्यूज मत हो बेटे, बीटेक वालों के भी 10 अक्टूबर तक काउंसलिंग चली थी, तो उनकी डेट उनकी वेकेंट सीट दिखा दी 11 को। तुम लोग लेटरल एंट्री की हो, तुम्हारी 11 तक चली है, तो तुम्हारी 12 को यानी आज या कल या परसों आपकी वेकेंट लिस्ट आ जाएगी। भाई बुरा, जो ये तू सीटें भेज रहा था ये 12वीं वाले बालकों के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए, तेरे लिए वेकेंट सीट अभी बाकी है। तेरे लिए तो टोटली 220 सीट नहीं है, तो कैसे वेकेंट रह जाएंगी 220, है भाई, है मजे ले रहे हो तुम भी, है। चलो ठीक है, जितनी भी वेकेंट आएंगी, वेकेंट है नो डाउट, काफी वेकेंट है, क्योंकि कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है वो अपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा करा पाया होगा, कोई फीस नहीं जमा करा पाया होगा, किसी के डॉक्यूमेंट की वजह से वो एडमिशन कैंसिल हो रहा होगा, तो बहुत सारी सीटें यहाँ पे वेकेंट रहेंगी। हरियाणा वाले मेरे सारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जरूर
इस वेबसाइट को कल और परसों तक देखते रहे, नहीं तो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भाई, भाई ने अपना इंस्टाग्राम भी बताया हुआ है नवीन डॉट मुंजाल के नाम से। मैं यहां पे जैसे ही वेकेंट आएगी लेटर एंट्री की मैं पोस्ट करूंगा, तो आपको इसमें कनेक्ट करना है भाई, जुड़ना है। मैं मानता हूं जिन बालकों का एडमिशन हो जाता है वो सोचते हैं अरे हमें क्या करना अब, तो लेकिन अपने जूनियर को तो बोलो यार, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब मैं बात करता हूं ये आपकी बीटेक की, ये आपकी बीटेक लेटर एंट्री की, ठीक है, ये बीटेक की जो जिनको फर्स्ट और सेकंड में मिला है, तो ये देखो कितने बच्चे यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहे हैं। या तो मतलब ये कल तक अपडेट नहीं होंगे, कल बच्चों ने फीस भरी होगी, तो इसमें बहुत सारे बच्चों की पेड है वो तो ग्रीन है, लेकिन कई सारे पेंडिंग है। पेंडिंग किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, फीस की वजह से, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। जैसे 21 रैंक वाले को सिविल इंजीनियरिंग मिली थी रहमान भाई, ठीक है, और फीमेल में अंकु कुमारी, प्रिधि, तो ये सारे लेटर एंट्री के बच्चे हैं जिनको सेकंड या फर्स्ट में डी क्रस्ट मूर्थल मिला है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पेंडिंग है। तो यहाँ पे भी वेकेंट लिस्ट एक निकलेगी, और वो लिस्ट निकलेगी बेटे इस यूआरएल पे, मैं खुद आके आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा, नहीं तो कम्युनिटी टैब में दिख रहा होगा, नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे दिख रहा होगा, और नहीं तो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, अरे ज्वाइन कर लो यार, तुम्हारे लिए ही है, ना टेंशन लो, बीटेक में एडमिशन ले लोगे तब छोड़ देना इसको, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें अपडेट मिल जाए टाइमली, ये हमारी मेन वो है। बाकी आप अपने जूनियर को कह सकते हो भाई हमने तो पढ़ाई करी नहीं थी क्योंकि हमारा तो परसेंटेज बेस पे हो गया, लेकिन भाई तुम पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं पता कल क्या होगा, हरियाणा के डिप्लोमा के बालक तैयार हो जाओ मेंटली भी और पढ़ाई के प्रस्पेक्टिव भी। हरियाणा के बालकों को लग रहा है भाई पता नहीं क्या क्या होना है क्या नहीं होना, तो बेटे तैयार हो जाओ, कमर कस लो, पेपर तो अगली बार होगा, ठीक है। बाकी अब हो सकता है आपको लग रहा हो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई नहीं, वेट एंड वॉच, मैं आपके लिए और क्लेरिफिकेशन ऑन पेपर जरूर करूंगा कि इस बार एग्जाम, अगले बार एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए ऑलरेडी मैंने आरटीए डाल दिया बेटे, जैसे ही उसका रिस्पॉन्स आएगा तो आपको मैं बता रहा हूंगा कि भाई लीट की तैयारी में लग जाओ 100%, ठीक है भाई। तो एक दो दिन का समय मेरे को दो, जैसे ही आएगा रिप्लाई तो मैं बता रहा हूँ। तो ये मैं कह रहा था, हाँ मैं आपको कह रहा था ना, यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, ये 6 से 10 4 दिन के लिए खुली थी, ये सिर्फ जो रेजिडेंस है मूर्थल विलेज के, जिनके पास मूर्थल विलेज का रेजिडेंस है बेटे, उनके लिए अलग से एडवर्टाइजमेंट निकली थी, उनको उन्होंने अगर एचएसटीसी में नहीं भी कराया है तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बीटेक लेटर एंट्री की अपने जो बच्चे हैं, ये देखो इसको अगर मैं जूम करता हूँ, तो एक सीट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो कि रिजर्व है गर्ल्स कैंडिडेट की, और एक सीट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो कि रिजर्व है बॉय स्टूडेंट के लिए। तो ये प्लस टू वालों के लिए कुछ कुछ सीटें रिजर्व थी, ये मैं डीक्रस्ट मूर्थल की बात बता रहा हूँ। तो आपको हर कैंपस की वेबसाइट पे जाके उन कॉलेज में किस में क्या सीट है वहां से वो एक्सप्लोर करना है, लेकिन वो बच्चे वही कर पाएंगे जिन्होंने एचएसटीसी का रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। तो अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है या मिला है और आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो वेबसाइट देखते रहो, ठीक है भाई। बुरा कोई, किसी को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मिला है, किसी को एमडीयू रोहतक मिला है, किसी को गुरु जम्बेश्वर मिला है, किसी को पन्नीवाला मोटा मिला है, किसी को नीलो खड़ी मिला है, जिसको जो भी मिला है अगर वो YMCA चाहता है तो वो लास्ट तक हमारे चैनल पे बने रहो, लास्ट तक हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर दो, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब खैर। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। तो मैंने बता दिया भाई, अब इसके बाद क्या हरियाणा वालों के लिए, ठीक है।